तो जय श्री महाकाल दोस्तों, सभी को पता है यार कि मैं दुर्लभ के भाई के यानी कि उनसे मैं इंटरव्यू लेने गया था एक बार। तो उन्होंने बताया था कि यार चाय की दुकान पे धंधा नहीं है, तो वो यार टेम्पो खरीद लिया है, यानी कि यार को अपने मतलब कि उसको चाय की टपरी को भेज दिया है, फिर टेम्पो वगैरह खरीद लिया। तो गाइस उनसे अपन वापस इंटरव्यू लेने वाला है, तो अभी क्या बीतरी उनके ऊपर मुसीबत है या फिर क्या है यार कि गैंगस्टर वगैरह दोस्त आता है तो वो क्या उनको पैसे देता है, तो उन्होंने टेम्पो खरीद लिया। और जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल, क्या हाल आपके? बढ़िया। और भैया जय श्री महाकाल। ओ भैया जय श्री महाकाल, आप लोग बस बढ़िया भैया यार। टेम्पो भाई ने टेम्पो खरीद लिया आपके यार। तो अभी टेम्पो क्या खरीदा, क्यों खरीदा यार? अरे जो अपना धंधा था वो तो आपको बताया ही था कि चल नहीं रहा है ऐसा वैसा, तो हमने 35,000 में बेच दिया टपरी को, अपने साथ चारों पांचों को मिला के 35,000 हो गए। अपन ने 30,000 में एक ऑटो खरीद लिया। सेकंड हैंड खरीदा भैया? हाँ सेकंड हैंड ही है यार भैया, देखो 30,000 में ना। हाँ 30,000 में। तो ये अच्छा चल रहा है यहाँ पे? अच्छा रहा है यार भैया, लेकिन यहाँ पे भी क्या थोड़ा हर धंधे में शुरुआत है मंदी वगैरह लग जाती है। तो इसमें उधार नहीं रखते अंदर आपके? इसमें उधार ही नहीं रखते, लेकिन कुछ भी ऐसे कई कई ऐसे होते बैठ जाते हैं, पैसे ही नहीं देते नहीं चलो कहते यहाँ तक छोड़ दे, और भी तो गाली और देके जाते हैं। अभी हम जा रहे थे रस्ते में, गाली बक दी हमको बिना। तो यार तुम्हारे मतलब मुसीबत ही है यार भैया, क्या करे भैया। तो गैंगस्टर वगैरह थोड़ी बैठते हैं, बैठते हैं उनसे कौन पैसा लेने जाएगा? गैंगस्टर वगैरह बैठेंगे तो उनसे कौन पैसा मांगने जाएगा, वही वाला कंटप। तो उनसे पैसे नहीं मांगते मतलब? नहीं नहीं बस मतलब कि जो मतलब होता है जो चलता है अपना, कितने का जुगाड़ हो जाता है भैया इससे? दिन का 200-300 रुपये निकल जाता है। और तो इन भैया को पैसे देने पड़ते होंगे ना भैया? अरे भाई दोनों जन निकाल लेते हैं, निकाल लो 200-200 रुपए निकाल लो तुम, या निकाल लो 200 में दोनों का हो जाता है, 100-100 रुपए में 100 रुपए बांट लेते हैं, जैसे आता है उसका आधा। 100-100 रुपए बचता है आपके? क्या करे तो आप। अरे यार भैया यार 100 रुपए में क्या बचा होगा आपके? आखिरी उम्मीद है वो उधारी से तो अच्छा है, कुछ तो आ रहा है। वहाँ पे उधारी ज्यादा हो गई थी ना, बहुत ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे भैया ये धंधा चल जाएगा, आपको लग रहा है धंधा चल जाएगा? उम्मीद तो किया जा सकता है यार, देखो अब नया नया धंधा शुरू पे रखा है, अब देखो क्या होता है। हाँ ये तो है यार, उम्मीद पे है ना, उम्मीद पे सब। तो भाई थोड़ी देर चलाओगे, मैं बैठ के देखूँ कैसा क्या है। सो गाइस अपन बैठ के देखने वाले हैं भैया कैसे टेम्पो चलाते, थोड़ी देर ही बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे, ये थोड़ी देर चलाना है। आ जाओ आप। तो गाइस आप देख सकते हो यार भैया ऑटो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो भैया ऑटो को स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, और अपन थोड़ी देर बैठते हैं। वो बैठो बैठो। तो गाइस आप देख सकते हो अपन बैठ चुके हैं ऑटो के अंदर, और भैया चला रहे हैं ऑटो, ज़्यादा मैं चला भैया गाइस यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑटो, और भैया का काफ़ी अच्छा धंधा भी है, बाकी मज़ा आ गया ऑटो का, और बहुत ही शानदार ऑटो है गाइस, बाकी मज़ा आ गया यार, रिवर्स भी जाता है, क्या बात है यार, मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस तो भैया इसके अंदर मतलब आप धंधा आपका अच्छा चल जाएगा है ना? हाँ भैया धंधा तो अच्छा, तो अच्छा धंधा चल जाएगा भैया इसके अंदर है ना? हाँ इसमें तो चल जाएगा, बाकी ये तो सही है ना, बाकी टपरी पे तो टपरी से अच्छा है, कभी सो भी जाते हैं हम लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यही पे सो जाते हैं, सो जाते हैं दिन रात सब चला लेते हैं अपन, दिन रात चलाता हूँ। तो भैया गैंगस्टर वगैरह के उनका काम तो छोड़ दिया है ना? हाँ सही यार भैया यार, इसमें भी कभी कभी आ ही जाते हैं गैंगस्टर वगैरह, ऐसी बात नहीं है। अरे यार इसमें भी सब जगह पहुँच जाते हैं यार, उनका क्या कहना। सो गाइस यार भैया तो मतलब कि ऑटो चला ऑटो अच्छा ऑटो सही है ना आपके लिए? टपरी से तो अच्छा है ना, दिन के जहाँ उसमें 100 रुपए जाते थे यहाँ 100 रुपए आते हैं, फिर तो सही जाने से तो अच्छा है ना, आ रहा है 100 रुपए सही है ना फिर तो यार भैया। चलो ठीक, थैंक यू यार भैया, काफी अच्छा मतलब कि तुम्हारा अच्छा चला था, एक बार फिर मिलना एक बार मेरे से है ना, ठीक है ना? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सो गाइस आप देख सकते हो भैया का काफी अच्छा मतलब की ऑटो है, और ऑटो से अच्छा चल रहा है, बाकी यहाँ पे भी दारू पीने वाला आते हैं यहाँ पे बैठा है। गाइस आप देख सकते हो भैया का मतलब कि ऑटो अच्छा चल रहा है, और भैया मतलब कि ऑटो से अच्छे कमा रहे होंगे, बाकी आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो भी इनसे एक बार इंटरव्यू ले लेंगे, अगर कैसा ऑटो चल रहा है तो कमेंट में बता देना। मिस मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, और भाई के लिए मिसेज जरूर लिख देना, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।